So base is more like a maroon, but you know, since we normally don't get the exact shade of maroon in the color palette, हमको color palette में आता नहीं है वो color, तो हम कैसे बनाएंगे? हमको mix करना है red. मैं यहाँ पे crimson red mix कर रही हूँ, जो कि थोड़ा सा dull red होता है. अगर आप bright red भी use कर रहे हैं तो चलेगा. इसमें आपको mix करना है magenta color. मजेंटा को वायलेट भी कहते हैं. ये दो कलर आप मिक्स करेंगे, इसका दो पोर्शन रहेगा और इसका एक पोर्शन रहेगा, तो आपको काइंड ऑफ मरूनिश कलर मिलेगा, जो जिससे कि हम बेस कंप्लीट करेंगे. मिक्स होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, तो इससे हम बेस पहले कंप्लीट कर लेंगे. ये जब दोनों कलर मिक्स करते हैं, मजेंटा और क्रिम्सन, तो जो बेस बनता है वो बेसिकली आपको जब आप बीट रूट कट करते हो और उसके अंदर जो कलर आता है वो सेम कलर पिंकिश मरून दिखने के लिए मिलेगा, और एग्जैक्ट सेम सेम शेड हमें चाहिए, तो इस तरीके से हमको ये शेड मिल सकता है. अब क्योंकि बॉर्डर और थोड़ा डार्क होने वाला है इस शेड से, तो हम सेम इसी कलर में जो हमने बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे, तो आप ये देखेंगे बिल्कुल ये जो है डार्क मरून का कलर हो गया है. यही कलर हम यूज़ करेंगे बॉटम के लिए. सो आप देख सकते हैं बेस कलर हो गया है. अब हम शेडिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डार्क ब्राउन पेंसिल. ध्यान रखिए ये ऑलरेडी बहुत मरून कलर का है, तो अगर हम ब्लैक यूज़ करेंगे तो वो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, तो ब्लैक नहीं यूज़ करना है, डार्क ब्राउन यूज़ करना है यहाँ पे शेडिंग देने के लिए. अब हम शेडिंग कैसे करेंगे? पहले तो आपको पेंसिल को का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा राउंड राउंड रखना है, मतलब आपका बेस राउंड राउंड मूव करना चाहिए, जिससे कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फ़ज़ी फील होता है कपड़े का वो, प्लस हमें हाइलाइट्स छोड़ने हैं. मैं हाइलाइट्स उन जगह पे छोड़ रही हूँ जहाँ पे ब्लाउज़ का एरिया राउंड है, और आपको ज़्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे और कम हाइलाइट दिखेंगे, तो ये एक प्रॉपर्टी है वेलवेट की जो कि आपको इसमें दिखानी है. अब हम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन रेंडर करेंगे. एम्ब्रॉयडरी रेंडर करने के लिए आपको वाइट पोस्टर कलर लेना है, और वाइट पोस्टर में जो आपका सैप ग्रीन बोलकर वाटर कलर में कलर आता है वो मिक्स करना है. बहुत सारा वाइट लेना है, और एक हिस्सा लेना है सैप ग्रीन का, और एक हिस्सा लेना है येलो का. इन दोनों कलर को और वाइट को बहुत सारे वाइट के साथ थोड़ा सा ये मिक्स करना है, ताकि उन दोनों का शेड इसमें आ जाए, क्योंकि धागा इस कलर का हमको दिखाना है, जो एम्ब्रॉयडरी का धागा है इस कलर का हमको दिखाना है. तो चलिए अब हम कलर को मिक्स करेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा. ये वाला जो कलर देख रहे हैं ऐसा कलर आएगा. और मैं यहाँ पे थोड़ा पतला ब्रश यूज़ करूँगी, शायद 3 नंबर का. आप 00 यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको जो है डिज़ाइन को थोड़ा मोटे ब्रश से करने में तकलीफ़ होगी, पर मैं मोटा ब्रश नॉर्मली प्रेफर करती हूँ. पोस्टर कलर से डिज़ाइन रेंडर करने का, जो एम्ब्रॉयडरी डिटेल्स है उसको रेंडर करने का 2-3 टिप्स मैं आपको देती हूँ. पहली बात, जो आपका पॉइंट होगा ब्रश का, चाहे वो मोटा ब्रश हो या पतला ब्रश हो, नीचे का पॉइंट जो है ब्रश जो है एक जगह पे होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि ब्रश का कुछ हिस्सा कहीं और जा रहा है, कुछ भी जा रहा है. इससे बेहतर है कि आप उसको पानी में डालकर पहले जो है पहले ब्रश को एक साथ लेकर आइए, मतलब उसको पॉइंटेड बनाइए, एंड देन आप डिटेल फिल करिए. एक बार जब आपकी डिटेल आपने फिल कर लिया उसमें, उसके बाद उसमें वाइट हाइलाइट्स देना है. क्यों? क्योंकि धागा कभी भी, जब आप एक कलर के धागे से एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं, तब उस धागे का भी अलग अलग रिफ्लेक्शन होता है, जो कि हम बहुत डिटेल में नहीं दिखा सकते हैं, पर हर एक कलर का एक अंडरलाइन कलर होता है जो कि हम दिखा सकते हैं. यहाँ पर जो ग्रीन है, जो ग्रीन कलर है जो हमने बनाया है, उसका अंडरलाइन कलर वाइट है, तो इस तरीके से हम वाइट हाईलाइट दे रहे हैं इसमें. अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि हम कैसे दिखाएं कपड़ा, तो मेरा फ्लैट लगता है कलर करने के बाद, जब मैं कलर करती हूँ तो बेसिकली फ्लैट लगने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप सही ढंग से हाइलाइट्स ऐड नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि जो हमारा जो जो स्कर्ट का अंदर का पोर्शन, मतलब जब आप स्कर्ट पहनते हैं, आप खुद के भी स्कर्ट को नोटिस करिएगा, या कोई भी ऐसी ड्रेप की फैब्रिक नोटिस करिएगा, जो आपके घर में कोई स्कर्ट पहन के खड़ा है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर स्कर्ट अंदर जा रहा है
वहाँ पर जहाँ पर फोल्ड आ रहे हैं स्कर्ट में वो ज़्यादा डार्क है कंपेयर टू जहाँ पर लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, और जहाँ पर स्कर्ट का उभरा हुआ हिस्सा है मतलब राउंड वाला हिस्सा है वहाँ पे हाईलाइट्स हैं। तो हम यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई करते हुए जो स्कर्ट का अंदर का हिस्सा है उसको हम डार्क कलर से कलर कर रहे हैं। और ध्यान रहे पेंसिल को इस तरह से घुमाना है कि जो आपको धीरे धीरे स्लोली और उसको राउंड पेंसिल मूवमेंट्स करने हैं, जिसकी वजह से जो आपका कपड़ा है वो जो मैंने कहा था फजी फीलिंग होती है वेलवेट की, मतलब देख के कोई रफ कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, देख के ऐसा लगना चाहिए कि वो जो है आप एक फजी फैब्रिक रेंडर कर रहे हैं। एक बार जब आपने बेस पर बेस कलर जब आपने कर लिया और आप पैनल बाय पैनल मूव करेंगे, पैनल बाय पैनल कहने का मतलब है कि मतलब आपको एक हिस्सा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ डिज़ाइन में कि मैंने पहले एक हिस्से को कलर किया है फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी दी है, उसी तरीके से आपको फिर क्या करना है जो नेक्स्ट पार्ट लेना है और उसकी बेस को पहले कलर करना है एंड फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी की डिटेल डालनी है। इससे क्या होगा आपकी एम्ब्रॉयडरी की डिटेल और आपके हाइलाइट्स आसानी से मैच करेंगे। अगर आप एक साथ से बेस को कलर करते हैं और फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो हाइलाइट्स और बेस को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाए, हाइलाइट्स और एम्ब्रॉयडरी को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ऊपर नीचे सा लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सेक्शन को पकड़ें और उसको पूरा ऊपर से नीचे कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ें। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका स्कर्ट का जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे गोल्डन कलर आ रहा है, ये गोल्डन कलर मैं पहले आपको बता दूँ, मैंने वाइट में क्रोम येलो मिक्स किया है और इस तरह से हम ये गोल्ड कलर बनाएंगे। तो पहले तो वो डिटेल डिज़ाइन है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और दूसरा ये आप देखेंगे कि उसमें डार्कनेस कम है, मतलब वहाँ पर भी वेलवेट है पर उसमें कंपेरेटिवली जो डार्क हाइलाइट्स हैं वो कम है कंपेयर टू द अपर पोर्शन। क्यों? क्योंकि नीचे का पोर्शन जो है वो ज़्यादा फोल्ड हो रहा है और प्लस उसमें ज़्यादा हैवी ज़्यादा क्लोज एम्ब्रॉयडरी है जिसकी वजह से जो है कपड़े का सरफेस कम दिख रहा है, इसकी वजह से डार्क हाइलाइट्स कम दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं वहाँ पर डार्क हाइलाइट ज़्यादा दिख रहे हैं और जो बेस का एक्चुअल कलर है वो कम आपको दिख रहा है, ज़्यादा आपको ब्लैक में शेड्स ब्लैक या डार्क कलर में शेड्स दिख रहे हैं इसके अंदर। अब स्कर्ट का बचा हुआ जितना भी हिस्सा है हम जो है इसी प्रोसेस से कंप्लीट करने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए सबसे पहले आपको बेस को कलर करना है एंड देन एम्ब्रॉयडरी देनी है, तो इसी प्रोसेस से जो हम हैं रेस्ट ऑफ द स्कर्ट को फिनिश कर लेंगे पहले। अब क्योंकि ऑलरेडी वेलवेट के अंदर आप देख सकते हैं शेड्स काफ़ी ज़्यादा है और हाईलाइट्स कम हैं, तो जहाँ जहाँ एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन है उसके आसपास हम उसको और डार्क कर देंगे, मतलब उसके आसपास के एरिया को और डार्क कर देंगे। उससे क्या होगा एम्ब्रॉयडरी दिख कर आएगी और दूसरा ये जो वेलवेट की जो प्रॉपर्टी है मतलब लेस हाईलाइट और फजी फीलिंग वो उससे इम्प्रूव होगी। तो आपको बेसिक फिनिशिंग कंप्लीट करने के बाद जो है उसी सेम बेस कलर से आपको आपको डिज़ाइन के आसपास और थोड़ा डार्कनेस ऐड करना है ताकि डिज़ाइन हाईलाइट हो सके। तो ये आज का ट्यूटोरियल था, होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपको ज़्यादा समझ में आया होगा। कई मैसेजेस मुझे आते हैं कि थोड़ा डिटेल में बताइए, मैंने पूरी कोशिश की है डिटेल में जाने की, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं पहले तो आप उसको ट्राई करें। ना सिर्फ वीडियो देखने से आप कुछ सीखेंगे नहीं, वीडियो देख कर उस चीज़ को खुद से बनाने की कोशिश करें, और आपको करेक्शन या इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो ड्राइंग को आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करें मेरे साथ और मैं आपको फीडबैक दूंगी आपके ड्राइंग में कि क्या कमियां हैं क्या इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। मैं हर कदम पे आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी ताकि आप भी बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।